हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्ट्रीट स्टडी 24x7। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें बेसिकली हम मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक करेंगे जो बहुत से एग्जामिनेशन में ऑलरेडी रिपीट भी हो चुके हैं। तो ट्राई करना इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की, और कितने आपके मार्क्स बनते हैं 10 out of या 15 out of जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं वो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि और स्टूडेंट्स को भी आपकी जो प्रेपरेशन है उसका एक लेवल पता चल सके। सो इट इज़ द पार्ट 6 ऑफ हिस्ट्री सीरीज। अगर पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाना, हिस्ट्री सर्च करना, पुराने पार्ट्स आपको वहाँ पे सारे अवेलेबल होंगे, डेफिनेटली मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी नमक कानून को तोड़ने से? तो राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी ये, बेसिकली किससे हुई थी? ये नमक तोड़ने के कानून से हुई थी। तो आपको पता होगा ये जो डांडी यात्रा की गई थी वो इसी के लिए की गई थी। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया था? तो बिल्कुल सही आंसर होगा मीर जाफर। तो मीर जाफर को यहाँ पे बिठाया गया था बक्सर की लड़ाई के बाद। बक्सर की लड़ाई अगर आपसे पूछा जाए कब हुई थी, तो इट हैपन्ड ऑन 22 अक्टूबर 1764। और प्लासी की लड़ाई भी याद रखना 23 जून 1757। तो प्लासी की लड़ाई है 1757 एंड बक्सर की 1764। दोनों लड़ाइयों की आपको डेट याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन कभी कभी डायरेक्टली डेट ही पूछ लेता है कि बक्सर की लड़ाई कौन सी ईस्वी में हुई थी और प्लासी की लड़ाई कौन सी ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वदेश बंबद की स्थापना किसने की थी? सो स्वदेश बंधव की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अश्विनी कुमार दत्ता ने स्थापना की थी स्वदेश बंधव की। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो बिल्कुल सही आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया ऐसे समाजवादी नेता थे जिन्होंने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, इसका बिल्कुल सही आंसर है 1943। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने बेसिकली अंतरिम सरकार, या आप कह सकते हो इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, अभी लाइक कर देना, बाद में जनरली आप लाइक करना भूल जाते हो। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है क्योंकि इसी से ही आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए स्ट्रीट स्टडी 247, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए @स्ट्रीट स्टडी और आप हमारे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वराज ही माजा जन्मसिद्ध अधिकार आहे अणि तो मी मिला विनाच। मराठी में जय घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? तो दोस्तों ये की गई थी कोर्ट में। स्वराज ही माजा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, इसका मतलब होता है स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। माजा मतलब मेरा, मराठी में माजा का मतलब होता है मेरा, माजा जन्मसिद्ध अधिकार आहे अणि, और अणि का मतलब यहाँ पे होता है और, तो मी मिला विनाच, और वो मुझे मिलना चाहिए। तो मी मिला विनाश मतलब कि मुझे मिलना चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी कोर्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बरिंदर घोष किस समाचार पत्र से जुड़े थे? तो बरिंदर घोष जुड़े थे जुगांतर समाचार पत्र थे। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। बरिंदर घोष जुड़े थे जुगांतर समाचार पत्र, न्यूज़पेपर का नाम पूछा गया है आपसे, तो न्यूज़पेपर कौन सा था? तो न्यूज़पेपर था जुगांतर, तो जुगांतर न्यूज़पेपर से जुड़े थे बारिश घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। तो दोस्तों बेसिकली ये मद्रास के पास स्थित है ये इंडियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ढाका में स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। तो ढाका में जो स्थित है एहसान मंजिल पैलेस वो है बेसिकली मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए, मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए ही ये ढाका में स्थित है। आपको याद रखना ये प्लेस का नाम एहसान मंजिल पैलेस।
1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग थे जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, बहुत बड़ा रिवोल्ट था ये। इससे पहले भी सिपोही म्यूटिनी हो चुकी है म्यूटिनी ऑफ बेलोर के नाम से। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है कि म्यूटिनी ऑफ बेलोर जो थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1806 में। बट ये आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति के दौरान जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग से पहले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग से पहले थे लॉर्ड डलहौजी। तो ये वही डलहौजी हैं जिन्होंने डलहौजी स्थान, आपको पता है डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा में काफ़ी फेमस जगह है। इसके अलावा इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपने सुना होगा, जिसके तहत इन्होंने झांसी को हथियाया था, नागपुर को हथियाया था। झांसी को कब हथियाया था इन्होंने? 1854 में। 1854 में इन्होंने झांसी को और 1854 में इन्होंने नागपुर को अपने में शामिल कर लिया था, ब्रिटिश किंगडम में इनेक्स किया था। तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। बट जो 1857 की क्रांति थी उस टाइम थे लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड डलहौजी है इनका कार्यकाल था 1848 से 1856 तक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयपाल किस षड्यंत्र से शामिल थे? तो आपको बताना है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो बिल्कुल सही आंसर होगा लाहौर षड्यंत्र। लाहौर कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है दोस्तों। लाहौर एक फेमस सिटी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अगर याद होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री याद है तो ये आपको बहुत बार लाहौर ट्रीटी के नाम से भी देखने को मिलेगा कि लाहौर ट्रीटी भी अंग्रेजों ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये षड्यंत्र था लाहौर षड्यंत्र। इसलिए याद रखना लाहौर षड्यंत्र से कौन रिलेटेड है? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा एक फेमस पर्सनैलिटी का, राजा रणजीत सिंह। उन्होंने अपनी कैपिटल थी वो ये लाहौर में ही रखी हुई थी। और ये वही राजा रणजीत सिंह है जिन्होंने कोहिनूर हीरे को वापस अफगान से लेके आए थे। वो तो आपको पता होगा नादिर शाह जब कोहिनूर डायमंड को लेके चला गया था तो रणजीत सिंह वापस लेके आए थे अफगान से। बट बाद में ब्रिटिश ने, जैसे ही रणजीत सिंह जी की डेथ होती है तो सेकंड एंग्लो सिख वार के बाद ये चला जाता है दोबारा से इंग्लैंड के पास। तो अभी ब्रिटिश में है कोहिनूर डायमंड। जो लास्ट टाइम इसको लेके आए थे वो पंजाब के फेमस राजा, जो आप कह सकते हैं जिन्होंने 12 मिसलों को एकत्रित किया था, बहुत फेमस राजा थे राजा रणजीत सिंह। गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो गुरुमुखी लिपि जो शुरू की गई थी गुरु अंगद देव द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो ये बेसिकली सेकंड सिख गुरु थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की थी। तो जितनी भी पंजाबी भाषा लिखी जाती है वो लिखी जाती है गुरुमुखी स्क्रिप्ट में। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। 1946 के तेवेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो ये तेवेगा आंदोलन 1946 के पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में ही, आपको पता होगा ये बेसिकली पुराना बंगाल जिसको बोला जाता है, यहीं पे अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद इन्होंने अवध को अपने कब्जे में लिया, उसके बाद इन्होंने लिया हैदराबाद को अपने कब्जे में, हैदराबाद के निज़ाम को, फिर इन्होंने मैसूर को एनेक्स किया, मैसूर के बाद इन्होंने मराठा को एनेक्स किया, मराठा के बाद इन्होंने बिल्कुल आखिर में किया था पंजाब को। बट जो 1946 के तवेगा आंदोलन थे ये रिलेटेड थे पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड थे। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था? तो दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो लाहौर, जो कांग्रेस का लाहौर सत्र है वो कौन से ईस्वी में हुआ था, मतलब कि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन है वो कौन से वर्ष में हुआ था? तो याद रखना 1929 में। तो जो ये लाहौर अधिवेशन है इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य, फुल इंडिपेंडेंस की यहाँ पे मांग की थी। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौर जो अधिवेशन है। कभी कभी डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि कौन से वर्ष से रिलेटेड है लाहौर अधिवेशन, तो याद रखना 1929। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है, इसी से आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। कमेंट करके आपके जो भी मार्क्स बन रहे होंगे, जो भी आपका स्कोर होगा वो जरूर बताना, ताकि और स्टूडेंट्स को भी आपके लेवल का पता चल पाए। तो चलिए दोस्तों, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलते हैं हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ।